तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से सेट थ्री का सेकंड पार्ट लेकर आ गया हूं। और कहना यह है कि अगर आपको रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी का, अगर आपको जीएस का प्रिपरेशन करना है तो शॉर्ट्स के माध्यम से हम उसमें डाल दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे डायमेंशन स्टडी पे। आप वहां पर जाकर फैक्ट्स शॉर्ट्स के माध्यम से आप सीख सकते हैं जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी में, उसके लिए अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी आप देख सकते हैं। तो ज़्यादा बोर भी फील नहीं होगा और आप अच्छे से कवर अप भी कर सकते हैं। और उसी शॉर्ट्स के माध्यम से हम आपको करंट अफेयर भी कराने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 11 है सेट 3 का, आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कह रहा 203 प्लस 107 का स्क्वायर माइनस 203 माइनस 107 का स्क्वायर कितना होगा। ये बी है, ये ए है, तो आपको दिख रहा होगा कि फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बैठ रहा है। तो इस तरह का कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको 203 प्लस 203 मतलब ये वाला टर्म को एक साथ ऐड कर देना है, ठीक है, और फिर इनटू 107 प्लस 107 इसको ऐड कर देना है इसी के अंदर वाले पार्ट को और मल्टीप्लाई कर देना है। तो 203 कितना हो गया 406 इनटू यहाँ कितना हो जाएगा 214। अब आपको पूरा मल्टीप्लाई करने का भी जरूरत नहीं है, पहले आप चेक कीजिए यूनिट डिजिट से कि 4 है यहाँ 6 है, तो 6 चौके 24, लास्ट में क्या बचा 4। तो आप देख रहे हैं कि पहले ऑप्शन में चेक कर लीजिए कि 4 है या नहीं कहीं पे, तो यहाँ 6 है तो ये होगा नहीं, यहाँ 4 है तो ये हो सकता है, यहाँ 2 है ये होगा नहीं, यहाँ 0 है ये होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी मार के आप निकल सकते हैं, ठीक है, थैंक यू। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको आप वीडियो को पॉज करके आप 2 मिनट खुद से चेक कर सकते हैं। ये सब अक्सर क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, और कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए कह रहा है कि कंडीशन दे दिया है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 3 है, ए बी सी नॉट इक्वल टू 1 है, और कंडीशन दे दिया है कि ये इतना, और फिर कह रहा है कि पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि 1/1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी प्लस 1/1 माइनस सी इंटू 1 माइनस ए बराबर क्या होगा, ठीक है। तो आप इसका अगर तीनों का एलसीएम ले सकते हैं, इसका इसका और 1 माइनस सी का, नीचे हम लेके दिखा रहे हैं आपको 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी। तो आप देखिए कि ये वाला पार्ट जो है ये पूरा मैच कर रहा है, बच रहा है सिर्फ ये वाला, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस सी। अब देखिए इसमें कि ये पार्ट, तो ये पूरा पार्ट मैच कर रहा है, बच रहा है ये, तो प्लस 1 माइनस ए लिख सकते हैं। फिर इसमें देखिए 1 माइनस सी और 1 माइनस ए मैच कर रहा, बच गया ये पार्ट, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन प्लस का देकर 1 माइनस बी। अब आप इसमें गौर कर सकते हैं कि यहाँ पर कितना है 1 1 1 यानी 3 माइनस ए प्लस बी प्लस सी बटा 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी है। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 3, तो यहाँ पर 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0 बाय समथिंग, तो उससे कोई मतलब बनता नहीं है, आपका आंसर क्या आ जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें कह रहा है क्या कि एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस 1800 रुपया है और उसको 1476 में बेचा जाता है तो छूट का प्रतिशत क्या होगा। तो आप यहां से देख सकते हैं कि 1476 और यहां 1800 यानी कितना कम करके बेच रहा है, तो 76 में आप 24 और ऐड कीजिएगा तो 1500 हो जाएगा और 300 ऐड और कीजिएगा तो 1800 हो जाएगा, यानी 324 रुपया छूट दे रहा है, कितना पे 1800 पे निकाल रहे हैं। तो परसेंटेज तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से 20 कट जाएगा, 18 324 18 बार में कट जाएगा यानी 18 आंसर होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपका सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि यदि ट्रायंगल DEF एक समद्विबाहु त्रिभुज है और एंगल D यानी कि ये वाला एंगल आपको दे दिया है 110 डिग्री है, यदि आई त्रिभुज का अंतः केंद्र है यानी कि इन सेंटर है, ये आपको दे दिया है इन सेंटर अंतः केंद्र, और पूछ रहा है कि EIF का मान क्या होगा, यानी ये वाला आपसे पूछ रहा है, ठीक है, ये वाला। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ये वाला एंगल D, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर ऐसे करके लिख रहे हैं 90 डिग्री प्लस हाफ इंटू 110 डिग्री था ना, तो ये 55 हो गया, और 90 डिग्री और 55 डिग्री कितना हो गया 145 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। फ्रेंड्स ये सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, और
इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि ट्रायंगल एबीसी में एबी 16 है, यानी ये वाला पार्ट 16 है, बीसी जो है आपका दिया हुआ 36, बीसी 36 है टोटल और एसी जो है 28 है। कहता कि एडी जो है इस ट्रायंगल का मीडियन है यानी माध्यिका है, तो ट्रायंगल एबीसी का मीडियन कितना होगा यानी माध्यिका का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसमें इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने का, वो क्या है तो ऐसा है एडी स्क्वायर, मतलब जो मीडियन है उसका स्क्वायर, और ये जिस पार्ट पे जा रहा है तो उसका हाफ, यानी कि बीडी लीजिए आप या डीसी लीजिए, तो बीडी का स्क्वायर करते हैं दोनों बराबर है, प्लस बीडी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये इस पार्ट का स्क्वायर प्लस इस पार्ट का स्क्वायर। तो डायरेक्ट लिख देते हैं 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं 16 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर, समझने में आसान होगा। फाइंड करना आपको एडी और ये ब्रैकेट में जाकर ऐसे ट्वाइस रहेगा, ठीक है। आगे यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, इसलिए लिख देते हैं यहाँ पर, तो एडी का स्क्वायर प्लस बीडी कितना है 18 है, तो यहाँ 324 लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256। और इस पार्ट में आपको हम ट्रिक में स्क्वायर करने का मेथड बता चुके हैं, कैसे कि पहले 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 64, यानी 4 हाथ में रहा 6, फिर ये तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए 8 × 16 16 × 32 32 और 6 38 का 8 हाथ में रहा 3, 2 का स्क्वायर हो गया 4 4 और 3 7, ठीक है। तो ये और ये 2 को इधर लाइएगा तो इधर चला जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 6 4 10 का 0 हाथ में रहा 1, 8 5 13 14 का 4 हाथ में रहा 1, 7 2 9 1 10, 1040/2 यानी कि 520। अब यहाँ पर ए डी स्क्वायर बराबर 520 माइनस 324 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गया कितना 6, मतलब 196 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ए डी स्क्वायर बराबर 520 माइनस 324 बराबर 196 हो गया। अब आपको फाइंड करना है ए डी, तो आप क्या कर सकते हैं रूट ओवर 196 का अंडर रूट, और 196 का अंडर रूट 14 हो जाएगा, यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस तरह से आप सेट कंप्लीट कीजिए अपना, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेट में, सेट के पार्ट में, ठीक है, थैंक यू।